हाँ प्रिय सभी छात्राएं सुने, मैं शशिकांत आपके लिए प्रॉब्लम नंबर 5 है एलिमेंट, उसका एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ और किताब में पहले वीडियो में डाल चुका हूँ। इसमें यह कहा गया है ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, और डॉट कर लिखा नेवर मोर। जैसा कि वह कह रहा है मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर इस कविता में केवल दो ही स्टेंजा, दोनों स्टेंजा में से कोई भी स्टेंजा अगर आ रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन यही लिखना है जो नीचे लिखा गया है 8 नंबर का। तो आप देखो, पहले तो ये लिखा ओ वर्ल्ड ओ लाइफ, और डेड डेस्क लिखा है इसमें नेवर मोर। तो सबसे पहले आएगा आपका ये रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम क्या है ए लेमेंट, और पेंड बाई लिखा किसने पी बी शैली ने। अब कॉन्टेक्स्ट देखें यहाँ पर, यानी रेफरेंस होता है इसको हम कहते हैं संदर्भ, जैसा कि हिंदी में आप जानते हैं, और कॉन्टेक्स्ट कहते हैं प्रसंग, यानी पूरी बात को शॉर्टकट में कह देना। हियर यहाँ पर द पोएट इज वेरी सैड, कवि यहाँ पर बहुत दुखी है। ही इज ट्रेम्बलिंग विद वीकनेस, वह कमजोरी से कांप रहा है। ही रिमेंबर्स हिज लॉस्ट गुड डेज, वह अपने पुराने अच्छे खोए हुए वह अपने पुराने खोए अच्छे दिनों को याद कर रहा है, याद करता है। एक्सप्लेन इन दी लाइन्स इन लाइन ऑफ द पोएट से देट, कब कहता है कि हिज लाइफ इज विदाउट डिलाइट, उसका जीवन बिना सुखमय है। हिज वर्ड इज विदाउट प्ले, उसमें कोई सुख का भाव नहीं है। हिज टाइम इज विदाउट जॉय, और उसके समय में कोई आनंद नहीं है। ही हैज कम एट द लास्ट स्टेज, वह जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ गया है। ही थिंक्स दैट, वह सोच रहा है। सीजन्स कम एंड गो, ऋतुएँ आती हैं और जाती, बट लेकिन नो सीजन मेक्स द पोएट हैप्पी, लेकिन कोई भी ऋतु कवि को प्रसन्न नहीं करती है। ही फील्स अनहैप्पी, वह तो दुखी महसूस करता है। ये पूरा एक्सप्लेन हो गया। क्रिटिकल कमेंट है द पोएट हैज यूज अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच, कवि ने अपोस्ट्रॉफी का अलंकार किया, क्योंकि देखो ये अगर संबोधन का चिन्ह आ रहा है, ये संबोधन का चिन्ह आ रहा है, तो ये अपोस्ट्रॉफी अलंकार होता है। अपोस्ट्रॉफी अलंकार होता है उसकी परिभाषा होती है देयर इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द एब्सेंट एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी इसमें बेजानदार वस्तुओं को या अनुपस्थित चीज़ों को एकदम सीधा सीधा संबोधित किया जाता है, और संबोधन का चिन्ह दिख जाए तो ये हमारा अपोस्ट्रॉफी अलंकार है। नंबर एक हो गया। नंबर दो क्या है, दीज लाइन्स शो द पोएट्स सैड, ये लाने कवि के दुख को दर्शाती है। ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया है, और मैं कल इसका सेंटर आइडिया डालूँगा। आप अपना अपना नोट्स बनाते रहना, बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।